कहे कि हम पचे सब जने 21वीं सदी में जी रहे हैं, किंतु आज के युवक युवती के अंदर आज अंधविश्वास के ऐसा आंधी के जो है दीप प्रज्वलित है जौने का कहा नहीं जा सके। कहे कि मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से कैसा तस्वीर सामने आई है जो सबका सोचे में मजबूर कह दे लागे। कहे कि मध्य प्रदेश के सीधी के सिहावल जनपद अंतर्गत एक गांव है, वह गांव माँ एक युवती के द्वारा अपन जीभ काट के चढ़ा दिए गए और केका चढ़ावा का देवी माता का, और वहाँ अब मूर्छित अवस्था माँ वह बिटिया मंदिर परिसर माँ माता जी के चुनरी लाल रंग के चुनरी ओढ़ के पहुड़ी है। क्षेत्र के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और यह घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तब इन क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करिश्ती बारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह पूरी खबर के, जहां प्रवचक बताई दी एक आस्था कही या अंधविश्वास। मध्य प्रदेश के सीधी जिला में एक गांव बघौड़ी में एक युवती के द्वारा मंदिर में पूजा करत करत अपन जीव देवी माँ का समर्पित कर दिन। युवती के हालत गंभीर है। यह घटना के बाद ग्रामीणों के द्वारा मंदिर के बाहर पूजा पाठ शुरू कर देगा। वो कहा थे कि देवी माँ का हम पचे मनाई जुटाई ला है। मामला सीधी जिला के सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा गाँव के है। यह घटना से गांव में सनसनी फैला रही थी। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस की टीम मौका पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के आस्था का देखत किन कोनो ठोस कदम नहीं उठा सके। जानकारी के मुताबिक युवती के नाम राजकुमारी है, वह पूजा करे अपने माँ के साथ मंदिर गए, वह जीप काटी से माँ का चढ़ा दी और वही बिटिया पहुड़ी है। बिटिया की यह हरकत का देख के महतारी जो हैरान हुई है, ओकर हाथ पाँव फूले लागे। महतारी के द्वारा आनंद फानन माँ परिवार का यह घटना की सूचना दी गए। एक बात पूरा परिवार जो है पूरा गांव मंदिर के बाहर जुट गया। सभी के द्वारा वह मंदिर के बाहर डेरा डाल देगा, पूजा पाठ शुरू कर देगा। दूसरे ओर यह खबर पता चलते स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तुरंत एक टीम का गांव भेजेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि लेकिन ग्रामीणों के आस्था के सामने प्रशासन कुछ कह नहीं पाई। एक मौके पर पहुंचे डॉक्टर के द्वारा युवती के स्वास्थ्य परीक्षण किएगा। उनके परिवार के द्वारा बतावागा कि राजकुमारी की हालत जो है गंभीर है, लेकिन वो जल्द स्वस्थ हो जाएगी। परिवार को उम्मीद है कि माँ के पूजा पाठ से राजकुमारी के जीव वापस आएगी। यह मौके पर मौजूद ग्रामीण कहब है कि हम लोगन के आस्था जो है मामा है और हम माँ पर पूरा विश्वास है। युवती के मनोकामना पूर्ण हुई। जब युवती के घर वाले ये बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि बिटिया के एकर अंदाजों नहीं लगे दिस कि वह यह तरह के कोनो कदम उठाई, वह अचानक जीभ काट के माँ का समर्पित कर दीस। अपना अब तक बताया दी युवती के पिता लक्ष्मण लाल मणि पटेल के द्वारा कहा गया कि हम यह घटना के जानकारी नहीं रही, गाँव वाले के द्वारा बतावागा तो उनका पता चला कि और सबय के द्वारा पूजा पाठ शुरू कर देगा। माता रानी की जब कृपा हुई तब बिटिया स्वस्थ हो जी। बहरहाल मंदिर में पूजा पाठ और मनंतन के दौर चल रहा है। ऐसा में देखा यह हुई कि ग्रामीण की आस्था का कुछ रंग ले आवा थी। युवती अब गंभीर हालत में मंदिर प्रांगण में है। विशेषज्ञ के कहना है कि यह तरह के निर्णय जानलेवा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर आज के दौर कौने दौर में हम बच्चे जी लागे, वैज्ञानिक युग है, विज्ञान के युग है, हर विज्ञान जो है हर बात का नकारत है और बे नकारत है। तब और लोग अंधविश्वास के आंधी में ऐसा बहिजा थे कि जोने के कोनो भरोसा नहीं है। सोची आज के पढ़ा लिखा युवा जो दूसरे का शिक्षित करे की जरूरत थी, किंतु ओइन अशिक्षा के ऐसा दलदल में घुसे हैं और अंधविश्वास के ऐसा दलदल में घुसे हैं जेकर कोनो हद नहीं है। सोची वो बिटिया आज अपने परिवार का आबे वाली पीढ़ी का सिखाए रही है, का समझाए रही है, का पढ़ाए रही है। तो सुनी ग्रामीणन के पूरा बयान, बिटिया के पिता के पूरा बयान। आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। ये क्या है पूरी घटना यहाँ पर, ये जो जीव चढ़ाने की ये जो प्रक्रिया हुई क्या है पूरा बताओ? ये हमको सर नहीं मालूम कि कैसे वो चढ़ाई कैसे नहीं चढ़ाई, हम घर पर नहीं थे, हम पीपरहा गए थे। जानकारी कैसे हुई? जानकारी हमें जब वहाँ यहाँ से कोई व्यक्ति एक फोन लगाया तब हमको वहाँ जानकारी मिली, तो हम वहाँ से फिर भागते आए। यहाँ आए तो हम एक दो जन के पास जब वहाँ फोन लगाए कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तब वहाँ से फिर हम यहाँ आए। अब यहाँ आए तो हम यहाँ देखे, वहाँ गए तो वहाँ देखे, माने यहाँ से काटा गया, यहाँ चढ़ाया गया, फिर यहाँ आके जो वहाँ ले गए। आप लड़की के कौन? मैं पिता हूँ। कितने साल की लड़की है? लड़की लगभग 20-21 साल। 20-21 साल की है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम लाल मणि पटेल। कौन सा गांव है? ग्राम बघौड़ी पोषित जिला सीधी मध्य प्रदेश थाना मिलिया। जो आज
घटना हुई है, क्या है ये पूरा मामला? सर ये आस्था है और जो हमारे बगल के गांव की एक ललिता पटेल की पुत्री है, लालबेन पटेल की पुत्री है, तो ऐसे पूजा पाठ करती हुई आई हैं और अचानक किसी के अनजाने में, अपने माँ बाप के बिन जाने में, और आके जीव काट के और आस्था लगा कर वहीं पर चढ़ा दी हैं माता के मंदिर के अंदर में। कितने बजे की घटना है? घटना है लगभग 11 के लगभग बजे की, दोपहर की बात है लगभग, जी लगभग बता रहे हैं। लड़की अब 17-18 की लगभग होगी, जानकारी क्लियर नहीं है उनकी, हमारी उम्र की, पर लगभग 18 साल की लगभग है। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि हैं जी, सोनीलाल कौल।